सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर डीलिंग विद द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। इट्स द फोर्थ चैप्टर इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी इन योर एनसीईआरटी। सो हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड यूरिन फॉर्मेशन तक खत्म किया था पिछले वीडियोस में, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। Now, before starting the discussion, I would like to tell you something about BeeWizard 3.0. It is a coding competition organized by Geeks and Geeks, and it is going to be held on 26th of March from 6 PM to 7:30 PM. So, if any one of you having coding skills, so do try it for free. And in the previous tournament, जिसके बारे में मैंने भी बोला था चैनल पे, तो बहुत सारे students ने prizes ली थी. So, any one of you interested in participating in this competition, so link will be given in the description, so do register, and you will be asked two coding questions and 20 quiz questions, and you will be given 90 minutes for that. So if you are interested, do register, and link will be provided in the description. Theek hai, so let's start our main discussion. Now in this video we will be dealing with the function of tubules. Theek hai, what tubules? Renal tubule mein humne dekha tha, that comprises of Bowman's capsule, that comprises of PCT, that comprises of loop of Henle, DCT and collecting duct. ठीक है, among that जो Bowman's capsule है उसकी function हमने पहले ही पढ़ी थी, वो जो है glomerular filtration में part लेता है. ठीक है, उसके बगैर उसकी कोई function नहीं है. Now जो असली function है जहाँ से question पूछे जाते हैं, that is the function of PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ PCT. जो PCT होता है, अगर आप देखोगे इसका जो इपिथीलियम होता है, द लाइनिंग ऑफ द PCT इपिथीलियम, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एंड ब्रश बॉर्डर. जो ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम है, यह आपने इससे पहले भी देखा है, वेयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वेयर देयर इज विलाई फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम की वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन सर्फेस एरिया. सो जितना सर्फेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी. तो एक क्वेश्चन तो आपको पहले ही मिल गया, दैट द PCT हैज़ ए इपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम. जो आपकी जॉलजी में, 11th जॉलजी में ही चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, उसमें जो है उसमें इपिथीलिया पढ़ते हो, सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, फिर सिंपल के टाइप्स. तो इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एंड ब्रश बॉर्डर. तो जब सरफेस एरिया बढ़ा, जो रीअब्सॉर्प्शन है वो एफिशिएंट होगी. तो इसमें क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है, एक तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होते हैं, एंड 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर. तो जो PCT है, इट इज़ द मेन साइट फॉर रीअब्सॉर्प्शन. व्हाट इज रीअब्सॉर्ब्ड हियर, वन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70-80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. फर्दर मोर देयर इज ऑल्सो सिक्रीशन. जो हमने पहला पढ़ा था, द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सिक्रीशन. सिक्रीशन में हमने बोला था देयर इज सिक्रीशन ऑफ हैप, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयनस. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, देखो यहाँ पे आप देख लोगे दैट देयर इज सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम, हैप, जो मैंने आपको निमोनिक बोली थी. एंड देयर इज आल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट. ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हैप होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. तो ये भी हमने सिलेक्टिव सिक्रीशन या सिक्रीशन स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आपको बोला था, दैट इट सिग्निफिकेंस इज मेंटेनिंग pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा PCT. अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, हियर इज़ द PCT फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज़ द PCT. और ये जो यू शेप्ड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले. दिस सेकंड कन्वोलेटेड ट्यूबुल इज़ द DCT, एंड दिस स्ट्रेट ट्यूबुल एक्सटेंडिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, दिस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, अब देखो, अब हमने DCT देख लिया, क्या रीअब्सॉर्ब होता है, क्या सिक्रेट होता है. अब हमें देखना है लूप ऑफ हेनले. अगर आप लूप ऑफ हेनले को देखोगे, आप देखोगे लूप ऑफ हेनले में एक तो डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है. क्या है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है. अगर आप असेंडिंग लिम्ब की तरफ देखोगे, असेंडिंग लिम्ब में फर्दर दो सेगमेंट्स हैं, एक है ये थिन सेगमेंट और ऊपर वाला थिक सेगमेंट. ठीक है, तो ये पहले आपको याद रखना है, दैट द लूप ऑफ हेनले हैज़ अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब. द असेंडिंग लिम्ब हैज़ फर्दर टू सेगमेंट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, वन थिन सेगमेंट एंड अदर थिक सेगमेंट. ठीक है, नाउ व्हाट इज वर्थ दी रिमेंबर हियर इज दैट द डिसेंडिंग लिम्ब इज वाटर परमिएबल एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्परमिएबल. अब देखो,
अगर ये वाटर परमेबल है और इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल है, तो जब फ्लूड जब फिल्ट्रेट इस डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे जाएगा, जो इसमें वाटर होगा, वाटर आएगा इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, इस मेडुलरी स्पेस में। तो जब वाटर बाहर आएगा, अंदर वाला फिल्ट्रेट कंसनट्रेट होगा, देयरफॉर दिस फिल्ट्रेट इज कंसनट्रेटेड एज इट मूव्स डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोपा फैमिली। ठीक, नाउ ये जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में रिवर्स होता है देन दैट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, दैट इज ये वाटर इम्परमेबल होती हैं और इलेक्ट्रोलाइट परमेबल होता है। देयरफॉर जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा इस असेंडिंग लिम्ब में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये बाहर आएगा। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आएंगे किसी फ्लूड से, किसी सॉल्यूशन से, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया, एज द फ्लूड मूव्स डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब इट गेट्स कंसनट्रेटेड, एंड एज इट मूव्स अप इन द असेंडिंग लिम्ब इट गेट्स डाइल्यूटेड। सो डिसेंडिंग में कंसनट्रेशन होती है और असेंडिंग में डाइल्यूशन होती है। ठीक है, देखो जो लोपा फैमिली है ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो अगर आपको कभी ये ऑब्जेक्टिव आया दैट इन विच पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल द रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम, आपको याद रखना है दैट इज़ द लोपा फैमिली। ठीक है, अब अगर रीअब्सॉर्प्शन मिनिमम है तो इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन है इट मेंटेन्स द हायर ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। देखो यही मैंने आपको अभी बोला कि जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब इज इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे इस फिल्ट्रेट में वो आ जाएंगे इस मेडुलरी स्पेस में, इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, द ऑस्मोलैरिटी वो इंक्रीज हो गई। तो आपको क्या याद रखना है, लोपा फैमिली हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। फर्दर जो ये लोपा फैमिली है, इसकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है और एक असेंडिंग लिम्ब होती है, ये हमने अभी देखा। और हमने ये भी देखा डिसेंडिंग लिम्ब होती है वाटर परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेट होगा एज इट मूव्स डाउन। सिमिलरली जो असेंडिंग लिम्ब है ये इलेक्ट्रोलाइट परमेबल होती है और वाटर इम्परमेबल होती है, देयरफॉर देयर इज डाइल्यूशन ऑफ द कंसनट्रेटेड फ्लूड। क्यों, कैसे होती है, वो मैंने आपको अभी बोला, देयर इज पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूड, टू द मेडुलरी स्पेस, वो होती है एक्टिवली या पैसिवली। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ दिस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है दैट द असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, देयरफॉर देयर इज पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द मेडुलरी स्पेस। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा लोपा फैमिली। नाउ द थर्ड पार्ट इज द डीसीटी। देखो इस डायग्राम में ये डीसीटी रहा। ठीक है, अब डीसीटी में क्या मैंने लिखा है, मैंने लिखा है एक एनसीईआरटी पे एक्चुअली दिया है, मेरा अपना नहीं है। देयर इज कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन्स। ठीक है, अब ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन मैंने क्यों बोला, इससे पहले तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हमने नहीं देखा। जो आपने कल मैंने आपको बोला था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, द रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर, द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस, जो एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, ये हम फर्दर देखेंगे इन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो सिक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट्स एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करता है, दैट एक्ट इज इन द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पार्ट, दैट इज द डिस्टल पार्ट ऑफ दिस ट्यूब्यूल, और वो करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। जब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है वहाँ पे वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है। सिंस दिस रीअब्सॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन ए हार्मोन, ऑन एल्डोस्टेरोन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, इसीलिए इस पे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन लिखा गया है। फर्दर जो डीसीटी है, डीसीटी के सिक्रेशन वाला पार्ट जो है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ पीसीटी। पीसीटी में मैंने क्या बोला था, देयर इज सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हैप एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। सिमिलर इज द फंक्शन ऑफ डीसीटी, दैट इज सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हैप एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, और इसकी सिग्निफिकेंस भी होती है पीएच को मेंटेन करना और सोडियम पोटेशियम बैलेंस, वही हो गया आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डीसीटी वाला पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट इज द कलेक्टिंग डक्ट। देखो अगर आप इस सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर डीलिंग विद द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, इट इज़ द फोर्थ चैप्टर इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी इन योर एनसीईआरटी। सो हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड यूरिन फॉर्मेशन तक ख़त्म किया था पिछले वीडियोज़ में, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन।
Now, before starting the discussion, I would like to tell you something about BeWizard 3.0. It is a coding competition organized by Geeks and Geeks, and it is going to be held on 26th of March from 6 p.m. to 7:30 p.m. So if any one of you having coding skills, so do try it for free. And in the previous tournament jiske bare mein maine bhi bola tha channel pe, to bahut sare students ne prizes li thi. So any one of you interested in participating in this competition, so link will be given in the description, so do register. And you will be asked two coding questions and 20 quiz questions, and you will be given 90 minutes for that. So if you are interested, do register, and link will be provided in the description. Theek hai, so let's start our main discussion. Now in this video we will be dealing with the function of tubules. Theek hai, what tubules? Renal tubule. Renal tubule mein humne dekha tha, that comprises of Bowman's capsule, that comprises of PCT, that comprises of loop of Henle, DCT and collecting duct. ठीक है, among that जो Bowman's capsule है उसकी function हमने पहले ही पढ़ी थी, वो जो है glomerular filtration में part लेता है. ठीक है, उसके बगैर उसकी कोई function नहीं है. Now जो असली function है जहाँ से question पूछे जाते हैं, that is a function of PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ PCT. जो PCT होता है, अगर आप देखोगे इसका जो इपिथीलियम होता है, द लाइनिंग ऑफ द PCT इपिथीलियम, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एंड ब्रश बॉर्डर. जो ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम है, या आपने इससे पहले भी देखा है, वेयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वेयर देयर इज विलाई फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम की वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन सर्फेस एरिया. सो जितना सर्फेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी. तो एक क्वेश्चन तो आपको पहले ही मिल गया, दैट द PCT हैज़ अ इपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम. जो आपकी जॉलजी में, 11th जॉलजी में ही चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, उसमें जो है उसमें इपिथीलिया पढ़ते हो, सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, फिर सिंपल के टाइप्स. तो इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एंड ब्रश बॉर्डर.